प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना योद्धाओं के लिए शुरू किया प्रशिक्षण कार्यक्रम। कैथल जिले में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर कोरोना योद्धा लेंगे ट्रेनिंग। रोहतक की शेफाली वर्मा पहले ही टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी। परिजनों ने कहा देश का नाम किया रोशन। प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रत्येक जिले में 50 स्थानों पर सुबह 7 बजे से होंगे कार्यक्रम। और पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना टीके की दूसरी खुराक जल्द देने की अनुमति का विद्यार्थियों ने किया स्वागत। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना योद्धाओं के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर में 1,00,000 से अधिक कोरोना योद्धाओं को कौशल प्रदान करना है। इसके लिए 26 से अधिक राज्यों में 111 प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और कोविड योद्धाओं को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर, एडवांस केयर, एमरजेंसी केयर, सैंपल कलेक्शन और मेडिकल सामान सपोर्ट जैसी 6 कस्टमाइज्ड जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस हमारे बीच अभी भी है, इसलिए हर इलाज और सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में करीब 1,00,000 युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान से हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं उनकी अपस्किलिंग भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 21 जून से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। 18 साल के युवाओं को वही सुविधा मिलेगी जो अब तक 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को मिल रही है। 21 जून से जो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है उससे जुड़ी अनेक गाइडलाइंस जारी की गई है। अब 18 साल से ऊपर के साथियों को वही सुविधा मिलेगी जो अभी तक 45 साल से ऊपर के हमारे महानुभावों को मिल रही थी। देश भर के 26 राज्यों में 111 केंद्रों में कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। प्रदेश के कैथल में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से हमारे संवाददाता ने बातचीत कर उनके इस कार्यक्रम से जुड़ने के उद्देश्य के बारे में जानकारी ली। मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में हूँ। मैं मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ
कि उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट करा, उनके ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से इस महामारी कोरोना जैसी इसको हम मतलब मार सकते हैं कि हम ख़त्म कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं हम, कि ताकि हमारे जो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए और आगे इससे कोई ऐसी बीमारी आ भी गई तो हम उससे लड़ सकें। हमें इस काबिल बनाया गया कि हम हेल्थ केयर पे ध्यान दें। इस कोर्स में हम सर पे हम बेसिक नीड्स हम पेशेंट की बेसिक नीड्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, या कोई इमरजेंसी हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, या कोई कोविड पेशेंट है या हम कोई मेडिकल इक्विपमेंट है हम पेशेंट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम पेशेंट की या ECG है या हमें हॉस्पिटल के अदर इन्वायरमेंट के बारे में सिखाया जाता है कि हम कैसे पेशेंट की केयर कर सकते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी आ सकती है तो हम उसको कैसे इस कोर्स के अकॉर्डिंग सर हम 21 दिन का कोर्स है, इस कोर्स के हमारे 3 मंथ की OGT होती है, फिर हमें प्राइवेट या गवर्नमेंट में हम जॉब कर सकते हैं। ये जॉब 24 आवर्स की है और 2 शिफ्टें भी होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट हम कभी भी कर सकते हैं। रोहतक की 17 साल की युवा क्रिकेटर शेफाली वर्मा अपने पहले ही टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट में शेफाली ने अपनी डेब्यू पारी में 96 रन बनाए। उन्होंने 1995 में भारत की ओर से डेब्यू पारी खेलने वाली चंद्रकांता कौल का 75 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा। शेफाली ने 152 गेंदों का सामना करते हुए 96 रनों की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के भी शामिल हैं। शेफाली के परिजनों ने बताया कि अपनी बेटी की इस उपलब्धि से वो काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उसने देश का नाम रोशन किया है। पूरा सवर्ण समाज खुश है और मैं सबसे पहले BCCI बोर्ड और जितने भी सिलेक्टर्स हैं उनका धन्यवाद कहूँगा कि जो शेफाली की प्रतिभा को उन्होंने समझा और उसको चांस दिया, और बेटी ने भी पूरी मेहनत से और लगन से और पूरा 100 देने का कोशिश किया। बस ये हमारा शौक था पहले से ही, सभी भाइयों का, हम खेलते थे क्रिकेट, अब भी खेलते हैं, तो फिर हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का वो निर्णय लिया और हमें इसमें शेफाली में बहुत अच्छा वो लगा प्रतिभा, और हमने अकेडमी ज्वाइन करवाई, फिर आगे का सफर। शुरुआत छोटी थी जब से हुई है, इसी पापा का सपना था कि बच्चों को हम ऐसा करें, तो लेके जाते थे तो खेलती थी, तो एक दिन वो बोली पापा मुझे उसमें करा दो अकेडमी में, मैं क्रिकेट खेलूँ, तो उसके पापा ठीक है करा देंगे। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा। चंडीगढ़ में उन्होंने बताया कि इस बार राज्य में 1100 स्थानों यानी प्रत्येक जिले में 50 चिन्हित स्थानों पर सुबह 7 बजे से योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि आयुष विभाग और योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले इस योग दिवस का थीम योगा फॉर वेलनेस रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 6000 योग कोच, 300 खेल कोच और लगभग 2500 योग प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन भी किया जाएगा। आयुष मंत्रालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस वर्ष का जो थीम है वो तय किया गया है, योगा फॉर वेलनेस, अर्थात संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग। संपूर्ण विश्व इस वक्त कोरोना महामारी के साए से निकल रहा है और हर व्यक्ति इस सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क डालने से, परिवार में अलग थलग रहने से, परिवार में कोई ना कोई बीमार होने से बहुत भयाक्रांत है। मानसिक रूप से भय के वातावरण में, एंग्जाइटी के वातावरण में, फियर के वातावरण में रहने के साथ साथ मेंटल ट्रॉमा से निकल रहा है। इस सब के बीच में उसकी जो शारीरिक और मानसिक हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि मूवमेंट भी कम हुई है, वर्क फ्रॉम होम हुआ है। इस सब के बीच में योग कितना कारगर हो सकता है, इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि योग के माध्यम से हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों ना इस वर्ष का थीम योगा फॉर वेलनेस रखा जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रत्येक जिले के 50 सेंटर्स में यह योग दिवस मनाने का निर्णय लिया है। यह योग दिवस कोरोना गाइडलाइंस के चलते हुए सिंबॉलिक रूप से मनाया जा रहा है, अर्थात एक स्थान पर एक निर्धारित संख्या जो कोरोना गाइडलाइंस में तय है, केवल 50 ही
लोगों की भागीदारी के साथ यह कार्यक्रम आयोजित होगा। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना टीके की दूसरी डोज देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पंचकुला और आसपास के क्षेत्र से विदेश जाने वाले विद्यार्थियों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण करवाने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि ये सरकार की अच्छी पहल है, इससे उन्हें विदेश जाने में कोई समस्या भी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि दूसरी डोज लेने पर वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है बच्चों के लिए। हम काफ़ी वक्त से यहाँ पर फंसे हुए थे, हमारी पढ़ाई फंसी हुई थी, हमें काफ़ी मुश्किलें आ रही थी क्योंकि फ्लाइट्स भी बंद थी और हमें जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ से फ्लाइट्स बैंड थी। एंड अब जो सरकार ने ये वैक्सीनेशन सेकेंड डोज की जो शुरू की है, इससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। बहुत अच्छी पहल है ये सरकार की, बिल्कुल सबके लिए बेनिफिशियल है ये, सब फायदा उठा सकते हैं इसका जो बाहर जाना चाहते हैं, जो कब से लग रहा है उनको कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो बिल्कुल कर रही है और बड़े आराम से हो रहा है सब काम। गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया बहुत ही अच्छा है क्योंकि कनाडा में एक अलग ही इंजेक्शन लग रहा है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा हमारे लिए सिक्योर है, एक सेफ्टी की तरह है कि हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए आगे जाके। एंड क्योंकि जो कनाडा है या दूसरी भी कंट्री, वहाँ पे एकदम अलग ही स्टेप चल रहा है जिसका हमें कुछ आइडिया नहीं है। और मेरा जो कॉलेज है वो टोरंटो में है एंड उसका मेन टेक स्टार्ट हो गया, सो दिस इज आई हैव कम हियर फॉर द सेकंड डोज। तो मैं गवर्नमेंट की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी से सेकंड डोज का वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया है ताकि हम जल्दी से जल्दी जा सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें किसान आंदोलन के दौरान बढ़ रही हिंसात्मक व अनैतिक घटनाओं, विशेषकर महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के बारे में अवगत करवाया। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से चले तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हिंसात्मक व अनैतिक घटनाओं, विशेषकर महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं। इनका स्थानीय स्तर पर भी विरोध हो रहा है। प्रदेश सरकार कानून एवं व्यवस्था को किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं देगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस संबंध में कार्रवाई का विश्वास दिलाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने प्रदेश सरकार की ऑक्सीजन और प्राणवायु देवता पेंशन पहल की सराहना के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात कर सतलुज यमुना लिंक और जल से जुड़े अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाली महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आज पुण्यतिथि है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर रानी लक्ष्मीबाई को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। महज 23 वर्ष की आयु में अपना बलिदान देने वाली रानी लक्ष्मीबाई को आज पूरा देश याद कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर कहा कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली नारी शक्ति की प्रतीक वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें शत शत नमन। देश की स्वतंत्रता के लिए किया गया उनका संघर्ष सदियों तक हमें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करेगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना योद्धाओं के लिए शुरू किया प्रशिक्षण कार्यक्रम। कैथल जिले में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर कोरोना योद्धा लेंगे ट्रेनिंग।
रोहतक की शेफाली वर्मा पहले ही टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी। परिजनों ने कहा देश का नाम किया रोशन। प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रत्येक जिले में 50 स्थानों पर सुबह 7 बजे से होंगे कार्यक्रम। और पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना टीके की दूसरी खुराक जल्द देने की अनुमति का विद्यार्थियों ने किया स्वागत। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।